जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट शॉक टू सी मैजिक टेक्नोलॉजी इन इंडिया, वाउ दैट्स अमेजिंग। तो ऐसी मैजिक टेक्नोलॉजी और भी आने वाली है पाकिस्तानियों, ये तो हमारा एक मतलब बोलते है ना फर्स्ट सक्सेस है। अब ये दुनिया को और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी इंडिया की ओर से मिलने वाली है और इंडिया जो है वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री बनने को जा रहा है। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स में बोल सकते हैं 15-20 साल, उससे ज्यादा तो नहीं लग सकता। मैं तो मैक्स टू मैक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। एक जो जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के और उसका यूट्यूब चैनल भी है, जो इंडिया आए थे और बहुत सारे जो हमारे मीडिया ऑफिस थे उसमें वो मिले, भारत को जाना, भारत की टेक्नोलॉजी को जाना। उसका उनमें से हमारा जो इंडिया में जो प्रचलित है UPI ट्रांजेक्शन, उसके बारे में वो देखने के बाद लिटरली शॉक हुए। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी पे आप फोन से करते हैं तो बड़ी एक यूनिक चीज है हमारे लिए, लेकिन मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर भी आपको ये सिस्टम नजर आएगा। मैंने बल्कि रेडियो के ऊपर देखा। तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंडथ्रिफ्ट हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, जिन्होंने भारत की तरक्की को दिखाया है। उन्होंने बताया है कि इस वक्त भारत की अगर बात करें तो कितना डिजिटल है भारत, वहाँ पर UPI की अगर बात करें। ये बड़ी जबरदस्त चीज है जी, ऑनलाइन पेमेंट होती है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एडवांस सिस्टम है। पाकिस्तान की अपनी करेंसी की कोई वैल्यू है? डिजिटल की तो दूर की बात है, डिजिटल का तो मामला ही खराब है ना। तो अब पाकिस्तान की जो करेंसी है वो अभी अफगानिस्तान से भी नीचे है, बांग्लादेश से भी नीचे है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। क्या मैं आपको बता सकता हूँ? देखिए, हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। बड़ा नॉर्मल सा है, यहाँ पे हर बंदा फोन के जरिए राइड बुक करता है, पे दशका में मिलता जा रहा है और इंडिया ट्रेंडिंग में जा रहा है पिछले 2 महीनों से। मैं कहती हूँ तो अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स। इंडिया जो है उनका बनता भी है ट्रेंडिंग पे जाना और अल्ट्रा प्रो मैक्स बनता भी, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनमें इंसानियत है। फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है। देखिए, कहने की बात है, खुदा के लिए गेट रियल। हमारा वो रवांडा वाला साहब ना हो जाए कि पत्ते खाने पे मजबूर ना हो जाए हम लोग, पत्ते खाने पे मजबूर ना हो जाए। जो टेक्नोलॉजी जर्मनी में भी नहीं है वो टेक्नोलॉजी भी इंडिया के पास है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी पत्रकार भारत की इतनी फास्ट पेमेंट सर्विस को देख हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड कप को कवर करने आए पाकिस्तान से पाकिस्तानी पत्रकार अब्बास शबीर अली ने जब पहली बार इस यूनिफाइड पेमेंट सर्विसेज को देखा तो उनके पांव तले से जमीन ही खिसक गई। वो हैरान परेशान रह गए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। पाकिस्तान पहले ही भारत की टेक्नोलॉजी से बहुत प्रभावित है और अब ये दृश्य लाइव देख पाकिस्तानी पत्रकार की तो जैसे होश ही उड़ गए। दरअसल भारत में इस वक्त डिजिटल क्रांति का दौर चल रहा है। देश में डिजिटल पेमेंट को बड़ी तेजी से 7 लोगों ने अपनाया है, जो कई बड़े रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। भारत इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा कैशलेस लेन देन का रिकॉर्ड बना चुका है। पाकिस्तानी पत्रकार ये देखकर हैरान है कि लोग खाना खा रहे हैं और कोई पे भी नहीं कर रहा, लेकिन उनको बाद में पता चला कि ये डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रही है। जो पे करने का तरीका है, यहाँ पर जो मुख्तलिफ शॉप्स हैं और जो रेडियाँ हैं उन पर ऑटो पे है, यानी पे आप फ़ोन से करते हैं, तो बड़ी एक यूनिक चीज़ है हमारे लिए। बड़ी स्टोर्स के ऊपर तो आप क्रेडिट कार्ड और डिफरेंट तरीके से पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑटो रिक्शाज और जो मुख्तलिफ रेडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर भी ऑटो पे किया जाता है, आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं होती। और वहाँ पे आप फ़ोन को अपने स्कैन करते हैं और आपकी पेमेंट डिलीवर हो जाती है उस शॉप तक या उस रेडी तक जो चीज़ आप ख़रीद रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आज मैं वो तमाम वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं कि भारत में, बेंगलोर में भी मैंने ये चीज़ देखी थी और चेन्नई में भी ये मैंने चीज़ देखी है कि ऑटो रिक्शा भी पे के ऊपर चलते हैं। आप रेडी से अगर आपने पकौड़े समोसे या कोई भी छोटी चीज़ भी लेनी है तो वहाँ पर एक स्कैन का
बोर्ड लगा होता है, आप उसको स्कैन करें और आप उसको पे करें। तो आज मैं अपने वी लॉग में वो चीज़ आपको सारी दिखाऊंगा उस बाज़ार में जहाँ पर ये चीज़ें फरोख्त हो रही हैं और लोग ऑटो पे के ज़रिए यानी फ़ोन पे के ज़रिए चीज़ें खरीद रहे हैं और पे कर रहे हैं। आप मेरे साथ रहिएगा, आज मैं इस वी लॉग में इसको कंटिन्यू करूँगा, उन तमाम चीज़ों की, उन तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। मीटर भी लगा हुआ है यहाँ पर इस ऑटो में और साथ साथ ऑटो पे भी है, फ़ोन के ज़रिए आप राइड बुक करते हैं। बड़ा नॉर्मल सा है यहाँ पे, हर बंदा फ़ोन के ज़रिए राइड बुक करता है यहाँ पे, बड़ा इजी सिस्टम चल रहा है। देखें, छोटी सी शॉप है, कोई बड़ी शॉप नहीं है, कोई बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी ये सिस्टम चल रहा है और हर बंदा इसी तरीके से इसको पे कर रहा है। ये दिखाने का मकसद इसलिए कि सब ऑनलाइन सिस्टम है यहाँ पर, हर जगह पे ऑनलाइन सिस्टम है। आप पे करें अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको जेब में पैसे रखने की ज़रूरत ही नहीं। आप देखें, ये बिल्कुल छोटा सा एक स्टोर है, ये कोई बड़ा स्टोर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी ये सिस्टम है। हाँ, तो इसलिए इटली 20 रुपये ना, तो 20 रुपये भी डाल सकते हैं आप, 20 रुपये पे करें, हाँ, बस पे करें, बस कैश नहीं है तो आप यू पे। आप देखें जी कितना ज़बरदस्त सिस्टम है, ये एक छोटी सी रेडी है, ये देखें। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, जिन्होंने भारत की तरक्की को दिखाया है। उन्होंने बताया है कि इस वक्त भारत की अगर बात करें तो कितना डिजिटल है भारत, वहाँ पर UPI की अगर बात करें, फ़ोन पे की अगर बात करें, तो वहाँ पर कितनी तरक्की हो चुकी है कि एक दुकानदार के पास, एक ठेले वाले के पास और गरीब से गरीब आदमी के पास ये चीज़ें मौजूद है कि स्कैन करके फ़ौरन से हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि भारत इस वक्त कितना डिजिटल हो चुका है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाकर इम्प्रेस हो चुके हैं भारत की डिजिटलाइजेशन से, भारत की तरक्की से। UPI ने बहुत ज़्यादा उनको मुतासर कर दिया है। उन्होंने अपनी वीडियो में क्लियरली बताया है कि बेंगलोर, चेन्नई, पूरा का पूरा भारत किस कदर इस वक्त पाकिस्तान से आगे बढ़ चुका है। वीडियो को मैं स्क्रीन पर भी चला देती हूँ, पाकिस्तानी आवाम को भी दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में क्या तरक्की हुई है, कितना डिजिटल है पाकिस्तान, या आने वाले अरसे में क्या तरक्की देखने को मिल सकती है और भारत के साथ कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। बढ़ते आवाम की जानिब, कब पहुंचा चांद पे पाकिस्तान? चांद में बिजली है? कब पहुंचा चांद पे? बात सुनो, चांद में बिजली है? चांद में बिजली है? इधर नहीं है, ठीक है। चांद में पानी है? इधर भी नहीं है। पानी दरियाफ्त हो गया चांद पे? हो गया, इधर भी फिर आ रहा है, बस नॉर्मल आ रहा पानी, ठीक है। फिर आप भी चांद पे हो, पानी भी नहीं है यार। हमारे झंडे पर चांद सितारा बना हुआ मौजूद है। गॉड, और कितनी तरक्की रह गई है पाकिस्तान को करने वाली? तो हम तरक्की कर चुके हैं, क्यों नहीं की तरक्की है अभी तक? फॉर एग्जाम्पल क्या क्या तरक्की? क्या तरक्की नहीं की? मैं कह रही हूँ तरक्की की हुई है। तरक्की की? अरे खा पी रहे हैं अपने आराम सुकून से। अरे खा पी रहे हैं अपने घर में, कौन नहीं खा रहा? पाकिस्तान की GDP, पाकिस्तान की तरक्की क्यों नहीं ऊपर आ रही? आ जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद सारे रखते हैं। उम्मीद से नहीं आती, काम से आती। तो काम कर रहे ना, क्यों नहीं करते? हम मेहनत करते हैं। हमारी नहीं बात करी, ओवरऑल पाकिस्तान की बात। मैच की बात नहीं हो रही, बस क्या मुंडे, बस क्या कह रहे हैं? हम चांद पे रहते हैं, ना बिजली है ना पानी है, सही कह रहे? नहीं नहीं नहीं, बिजली तो नहीं है ना, गर्मी में बिजली हमने देखा भी नहीं है। इधर रेड़ी के ऊपर सो रहा था, ये हमारा मुल्क हालात है, क्या करे। पाकिस्तान होता था ना उस टाइम, भारत को ऐसे हरा दिया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की टीम को मैच में। अभी देखो भाई, मैच में नहीं तरक्की, पाकिस्तान में जब इमरान खान में भैया रखेगा फिर पाकिस्तान तरक्की कर लेगा। नहीं नहीं, ये लंगर खाने को ना इस तरह बहुत कुछ चीज। तरक्की पे बात करें, एजुकेशन पर बात करें, एजुकेशन पर बात करें, क्या तरक्की है? पाकिस्तान का तरक्की है भी नहीं, कौन करे? हमारे सामने लेके आओ, मैं उनको बताएगा। जाओ दूसरे मुल्क पे जाओ, कितना तरक्की किया था लोगों ने, इतना गोबर। दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।